गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी 9th जीके की क्लास है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रथम रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। तो जो प्रथम रेडियो जो था वो किया गया था शिमला में स्थापित, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जून 1955 को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश में जो रेडियो की स्थापना हुई थी वो 16 जून 1955 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा का जो सदस्य है वो 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। और अगर बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कुल जो हैं वो राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और अगर लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा की 4 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राधा स्वामी सत्संग का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो इसका जो केंद्र है वो है परोर, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हिमाचल के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनको जो है वो हिमाचल निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो कृषि विश्वविद्यालय है हिमाचल का, वो स्थित है हमारा पालमपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मतलब कि HPU की, तो HPU की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1977 में, और ये है शिमला समर हिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस जगह का दशहरा विश्व विख्यात है। तो फेमस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, वो है हमारा कुल्लू का दशहरा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मंदिर से रिलेटेड आता ही है, तो भूतनाथ मंदिर जो है वो स्थित है हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे। तो जो प्रथम विधानसभा थी हिमाचल की, उसमें टोटल थे 36 सदस्य, और अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में है टोटल 68 मेंबर विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। तो हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो लाहौल स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है, और अगर मैं सबसे ज़्यादा की बात करूं तो वो होती है हमारी धर्मशाला में, और जो कि पड़ता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस स्थान पे होती है, तब हमारा धर्मशाला आता है, लेकिन अगर किस ज़िले में पूछा है तब हम लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट है, शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिमला जो है वो 1966 में जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और ये जो है वो 18वां राज्य बनाया गया। लेकिन अगर मैं इस वक्त की बात करूँ तो इस टाइम क्वेश्चन जो है वो आपको 18वें पे भी आ सकता है और 17वें पे भी आ सकता है, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायस परमार वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो डॉक्टर बायस परमार वानिकी एवं उद्यान मतलब कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, और सोलन के ये नौणी स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के मिंजर मेले में किस देवता की पूजा की जाती है। तो चंबा के मिंजर मेले में वरुण जो है वो इस मेले में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल 1853 में कहाँ से कहाँ चली थी। तो क्वेश्चन दो यहाँ से इंक्लूड हो रहे हैं कि भारत की पहली रेल जो है वो 1853 में चली थी, और ये चली थी मुंबई से ठाणे, और ये कुल लंबाई जो थी वो थी 34 किलोमीटर। और अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में टोटल जो है अभी तक वो 3 रेलवे लाइन हैं, जिसमें से कालका शिमला जो है वो है सबसे पुरानी है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हमारी शाम को 6 बजे जो है जीके की क्लास लगती है। तो धन्यवाद दोस्तों, कीप वॉचिंग ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल।